हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ की। हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। हम लोग इसको बोलेंगे मेंडल के नियम। हेलो स्टूडेंट, पिछले जो हमने पार्ट उसमें दिया था, जो इंट्रोडक्शन था मेंडल्स ने किन पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने जो है क्यों कैसे सफलता उनको मिली, उसके बारे में हमने क्या टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया था उसकी बात हमने किया था। अब हम मेंडल्स लॉ के यहाँ पर बात करेंगे और मेंडल्स लॉ में आपको हमने पिछले पार्ट्स में भी हमने बताया था कि मेंडल्स ने तीन नियम जो है देर जो तो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो किया था उसमें आप देखेंगे उसमें जो तीन नियम दिए थे उसमें पहला लॉ ऑफ डोमिनेंसी था, सेकेंड लॉ जो है आपका लिख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी फर्स्ट लॉ था और सेकेंड जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, सेग्रीगेशन और थर्ड जो था यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, असर्टमेंट। ये तीन लॉ हमने लिए। लॉ ऑफ डोमिनेंसी में होता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और विभिन्न का नियम। ये तीन नियम है। तो हम फर्स्ट लॉ की पहले बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या है। तो पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। इसमें होता क्या, इसमें वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में होता है एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण उसको हम लेते हैं और उसमें एक प्रभावी लक्षण होता है दूसरा अप्रभावी, जिसको डोमिनेंट और रिसेसिव आप कहते हैं। तो उसका जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्रॉस के समय जो प्रभावी लक्षण होता है वही अपॉन जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है। कैसे आप देखें यहाँ पर, जैसे सपोज दैट हम ले रहे हैं यहाँ पर एक टॉल प्लांट ले रहे हैं, टॉल प्लांट और इसके विपरीत अपोजिट में हम क्या ले रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट ले रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट। अब इसको हम डोमिनेंट कहेंगे, टॉल प्लांट को क्या बोलेंगे, यह डोमिनेंट कैरेक्टर है और यह क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डोमिनेंट यानी टाल को हम कैपिटल टी टी से डिनोट करेंगे और ड्वार्फ को स्मॉल टी टी से डिनोट करेंगे। यह जो है होमोजाइगस है, यह भी होमोजाइगस है। तो जब ये क्रॉस, ये क्रॉस का सिंबल है या क्रॉस आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यह जब ये क्रॉस करेगा होमोजाइगस है तो यहाँ से एक कैपिटल टी चला आएगा भाग लेने के लिए और यहाँ से एक स्मॉल टी। इसको गैमेटोजेनेसिस भी आप कहेंगे कि गैमेट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर जो है क्रॉसिंग की क्रिया। तो यह जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी यह हमको प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे यपुन जनरेशन, इसको नाम देते हैं यानी यपुन जनरेशन का मतलब फर्स्ट पीढ़ी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पीढ़ी जो रखते हैं। यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, कैपिटल टी डोमिनेंट है तो क्रॉस के समय जो डोमिनेंट है वही अपन जनरेशन में डोमिनेंट होगा। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा टार्गेट हो गया। ओके, ये टार्गेट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, यह तो हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ की अब हम बात करेंगे, इसी को आगे यहाँ पर बढ़ा देंगे हम। आप देखेंगे कि सेकंड लॉ में क्या है, यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको सेकंड लॉ के अंदर देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप देखेंगे अब इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि यहाँ पर भी हम वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेंगे, एक जोड़ा विपरीत लक्षण को लेंगे और लेकर जब उसका हम क्रॉस करवाते हैं तो अपन जनरेशन में तो वही प्राप्त होगा जैसे डोमिनेंसी में था उसी तरह का, यानी जो क्रॉस के समय जो प्रभावी लक्षण होंगे वही लक्षण अपन जनरेशन में मिलेंगे। लेकिन अब इसका हम क्या कराएंगे, सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्व परागण यहाँ पर करवाएंगे। जब स्व परागण कराएंगे यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में तो इनके जो लक्षण होते हैं वह बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं
सेपरेट का मतलब अलग अलग हो जाएगा, प्योर अलग हो जाएगा यानी डोमिनेंट अलग हो जाएगा, रिसेसिव अलग हो जाएगा और हाइब्रिड अलग हो जाते हैं। कैसे होते हैं इनका जो रेशियो आता है 3:1 का रेशियो आता है, तीन संबंध एक काम का इसको बोलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको करने का प्रयास करेंगे, एक्सप्लेनेशन जिसको हम ला रहे हैं उसको आप देखें। तो वन पेयर हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक टाल प्लांट हम ले रहे हैं और इसके विपरीत हम लेते हैं द्वार। द्वार का मतलब बौना होना है, द्वार प्लांट। ओके, मेंडल साहब ने यह यूज किया था यह करना। तो टाल के लिए कैपिटल टी थी और द्वार के लिए स्मॉल टी थी हम यूज करेंगे। ओके, अब यह क्रॉस करेंगे अपन जनरेशन में, क्रॉस भी आप लिख सकते हैं या सिंबल बना सकते हैं क्रॉस का। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी आएगा होमोजाइगस से, यहाँ से भी आ जाएगा। तो अपन जनरेशन में आप देखेंगे यह हमारा अपन जनरेशन है और अपन जनरेशन में हमको किस तरह के पौधे मिल रहे हैं, यह टाल प्लांट। यहाँ पर जो डोमिनेंट है उसी के करेक्टर यहाँ शो हो रहे हैं और जो रिसेसिव है उसका करेक्टर क्या हो गया है, यहाँ पर यह दब गया यानी अनएक्सप्रेस्ड हो गया, यह दिखाई नहीं देता। अब हमको क्या करना, यहाँ पर हम सेकेंड जनरेशन की हम बात करेंगे। सेकेंड जनरेशन में जब हम क्या करते हैं, वेन दी सेल क्रॉस, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका सेल क्रॉस करवाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन उसको हम बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यह सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब स्व परागण। तो देखिए सेल्फ क्रॉस हम दो तरह से करा सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। कैपिटल टी के साथ कर लीजिए टीची हो जाएगा, इसके साथ फिर इसके साथ करवा लीजिए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पर भी आप फिर इसी से करा लीजिए, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, रेशियो बिल्कुल सेम आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन यह वन पेयर के लिए इजीली फॉर्म में आप कर पाएंगे। वन पेयर अपना इंटरेस्टिंग करेक्टर होगा, जब टू पेयर होगा तो दिक्कत होगा, थ्री पेयर होगा तो नहीं हो पाएगा, वह लक्ष्य आप जो है उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, चीज़ें वहीं आएंगे, रिजल्ट वहीं आता है। तो ये भी तरीका है ये करने का, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का। लेकिन आपको हम यहाँ पर तरीका जो है एक दूसरा बताते हैं, इसका नाम है चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड मेथड इसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर जितने हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसका उसे हम मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई हम लोग उसका करते हैं सेम जो कैरेक्टर्स हैं उसका, तो मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर करेंगे उसका, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू है संख्या, तो टू इंटू टू इज पर टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फोर कॉलम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अपोजिट हमको लिखना है, क्रॉसिंग करवा दें, एक तरफ मेल का इंडिकेशन देते हैं दूसरे तरफ फीमेल का। तो यह फीमेल का इंडिकेशन है आप देखेंगे और यह मेल का इंडिकेशन। ओके, विपरीत प्रकार के हो गए। अब हमको क्या करना है, जो गैमेट्स है उसी को हमको लिख लेना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों तरफ आप लिख लेंगे, ऊपर और राइट साइड में लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी कर लेंगे और इसके साथ आप करिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अब इसके साथ करिए स्मॉल टी कैपिटल टी, इसके साथ कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कैपिटल टी जी हम जो लिए थे शुरू में स्टार्टिंग, वही हमारा प्योर डोमिनेंट है और स्मॉल टी प्योर हमारा रिसेसिव है, और दोनों के बीच के क्रॉसिंग से कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी यह हाइब्रिड हमारा यहाँ पर यह क्या हो गया, यह हाइब्रिड बन गया। तो अगर रेशियो को अगर देखें तो हाइब्रिड भी बना जिसमें हमारा कैपिटल टी है वह प्रभावी लक्षण है, तो यह कहीं भी यह रिजल्ट शो करेगा कैपिटल टी वाला है क्योंकि प्रभावी है। तो एक कैपिटल टी वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया। सपोज यहाँ देखते हैं कैपिटल टी टी या टाल है हमारा, या प्योर टाल इसको बोलेंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी यह दो है तो इसको हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे, या हाइब्रिड हो जाएंगे शंकर इसको बोलेंगे, ये दोनों से जो बना है। और स्मॉल टी यह क्या है, यह प्योर हमारा रिसेसिव है, यह प्योर टाल इसको कहेंगे या डोमिनेंट आप कह सकते हैं, बात ये कही है यहाँ पर यह रिसेसिव करेक्टर यानी द्वार वाला है। तो आप देखेंगे कि टाल कितने होंगे, ये भी टाल है, कैपिटल इसमें भी है, हाइब्रिड होते हुए भी एक टाल है क्योंकि कैपिटल टी है। तो दो यहाँ पर है, एक यह हो गया, दोनों में से तीन हो गए और एक ये हो गया, तो रेशियो में भी आप 10:2 क्या हो गया, 3:1
वन, इसको मोनोहाइड्रेट ग्राफ भी हम लोग बोलते हैं, ये लार सेग्रीगेशन आर मोनोहाइड्रेट ग्राफ। तो रेशियो हमको क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला। ये देखिए आप समझ सकते हैं इसको, अगर कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना, शेल राशि शेल पॉलिनेशन जब करवाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टू कैपिटल टी स्मॉल टू वन बाई वन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्चार्जमेंट की बात करेंगे। ओके,